बीजेपी कीरा प्रकोष्ठ की ओर से भारत रत्न व स्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6 टीमें मैच में भाग लिया। वही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बदलते बिहार और महिला उत्थान को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाएं बिहार की आत्मनिर्भर हो रही हैं। वही महिलाएं खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, सभी इलाकों में बेहतर कर रही है। बिहार के महिला खिलाड़ी बिहार का नाम रोशन करेंगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि के पूर्व संध्या के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के तत्वाधान में आज महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे बिहार के ऊर्जावान नौजवान, हमारे साथी युवा संस्कृति खेल मंत्री श्री आलोक रंजन जी एवं बिहार की बेटी जिसने पूरे बिहार को ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, सुश्री श्रेयसी सिंह जी भी और खेल के साथ साथ विधायी क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी रहती हैं, आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं सबों को बधाई देता हूं और खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने खास करके महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अवसर दिया है और उसी का यह परिणाम है कि आज हमारी बेटियां भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और महिला क्रिकेट के क्षेत्र में भारत ने, बिहार ने अच्छे खिलाड़ियों को जन्म दिया है और आज प्रसन्नता है कि जो हमारे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है, उनके सम्माननीय माता पिता भी उपस्थित हैं। हम उन्हें अभिनंदन भी करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे गेंद पे क्या प्रहार करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे बल्लेबाजी, गेंद ने बल्ले का बारीक किनारा नहीं लिया, अभी भी अंकु अपने क्रीज में सुरक्षित प्रक्षत मौजूद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।